साथियों, आज मैं यहां आप सभी के प्रति, पूरे हरियाणा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने भी आया हूं। जिस प्रकार दिल खोलकर प्यार और अपनापन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को दिशा दी, समर्थन दिया, एक नई ऊर्जा दी, यह अभूतपूर्व है। आपने जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर और भाजपा पर जताया है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपके सामने विनम्रता के साथ अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा से मुझे मिली सीख और हरियाणा से मिले मुझे संस्कार हरियाणा के पालन पोषण पर आपको गर्व हो, ऐसा काम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह संयोग ही है कि मैं हरियाणा में ऐसे समय आया हूं जब केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों तो समझ ही नहीं आ रहा है, 100 दिन में कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। आपके अभूतपूर्व विश्वास के बल पर ही कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई। आतंकवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसी तरह अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोडमैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में
पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं।